आज मैं आप सबके सामने बड़े फख्र के साथ ये ऐलान करता हूं कि मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है। जिसे मैं आज आपके हवाले करता हूं। एक विनती करता हूं, इसका जीवन खुशियों से भर देना। प्यार की कभी कोई कमी महसूस होने मत देना। उसका इतना ख्याल रखना कि ये अपना मायका भूल जाए, मुझे भूल जाए और मेरे अपराध को माफ। पापा, आप मेरे लिए इतना फील करते हो, आप जानते भी नहीं, लेकिन ये मेरी शादी का सबसे अनमोल तोहफा है। थैंक यू। अंकल जी, मैं वादा करता हूं आपसे, मैं देविका की जिंदगी में खुशियां भर दूंगा, कभी उसे दुख नहीं दूंगा, कभी तकलीफ नहीं दूंगा, उसकी आंखों में कभी आंसू नहीं आएंगे, उसके मन का सारा दर्द मिटा दूंगा मैं अपने प्यार से। जूते कैसे चुराएंगे? अरे इसमें प्लान क्या करना है, जरूर चुराते हैं। अगर ये जूता चुराने वाली रस्म होगी तो ये लड़कियां रवि से बहस करने लगेंगी। रवि को बोलना ही पड़ेगा, पता नहीं रवि के पास पैसे होंगे भी या नहीं, फंस जाएगा बेचारा। अब तू क्या सोच रही है, कुछ आइडिया तो दे। अब मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं उस साकेत के जूते चुराने का, और मैं तो तुम लोग को एडवाइस करूंगी कि तुम लोग भी मत जाओ। अरे क्यों भाई, हम साली है, ये तो हमारा हक बनता है। बहुत शौक है अपनी बेइज्जती कराने का तुम लोगों को, तुम्हें पता नहीं है साकेत इन रीति रिवाजों को रस्मों को बिल्कुल नहीं मानता। अरे इंगेजमेंट वाला दिन याद है ना तुम्हें, मैंने जरा सी खिंचाई की थी, मेरी कितनी इंसल्ट कर दी थी उसने, और अभी देखो इतने गुस्से में वहां चुपचाप बैठा हुआ है। उसकी शादी में कोई इंटरफेयर करे उसे बिल्कुल नहीं पसंद है। अरे तुम लोग उसे जरा से जाके छेड़ोगे ना, वो सारा का सारा गुस्सा तुम्ही पे उतार देगा। सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज है कि नहीं तुम लोगों में? मुझे दोबारा अपनी इंसल्ट नहीं करानी, तुम लोगों को शौक है तुम लोग जाओ। हाँ यार, ये बात तो हम लोगों ने सोची ही नहीं। तू सही कह रही है, पर साकी जी को ये मस्ती मजाक पसंद नहीं है तो रहने देते हैं। ठीक है, अब पैरों का वक्त हो रहा है, चलते हैं। सोग विनाशकार नमः विघ्नेश्वर पादुपंगजम। कन्यादान की विधि संपन्न हो गई, वर की माता जी आकर वर को टीका करें। पहले मेरा हाथ सुन पड़ गया था और अभी उंगली जल गई, बड़ी जलन हो रही है। मैं कुछ लगा देती हूँ, चलो। पर पुत्र मुझे वो टीका लगाना है ना। अरे जीजू को सिर्फ टीका ही तो करना है, मैं कर देती हूँ। आजा पुत्र।
से गौर से क्या देख रही हो? ये शादी के रिचुअल्स कितने पावरफुल होते हैं ना, पूजा मंत्र हवन, एक अजीब सी ताकत होती है इनमें जो शादी के बंधन को शायद और ज्यादा मजबूत कर देती है। इट्स फैसिनेटिंग। वो तो है, लेकिन शायद तुम्हें अंदाजा नहीं कि शादी की रस्मों में बहुत शक्ति होती है। दो इंसानों को इतना करीब ले आती है कि उनके बीच में कोई भी नहीं आ सकता। शादी से पहले एक अधूरापन होता है और शादी के बाद सारी कमी पूरी हो जाती है। या, you're right. वैसे तुम थे कहाँ? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही। अब मुझे ढूंढ रहे थे क्यों? ऐसा क्यों लगा कि रवि मेरे पास पहुंच रहा था? ये इतना शर्माने की बात नहीं है, मैं भी बहुत आजाद ख्यालों का हूं। अच्छा लगा आपसे मिलके। अगर चाहिए तो मैं अपना नंबर दे देता हूं, आप मुझे इस पर कॉल कर सकती हैं। अरे ये क्या कर रही हैं आप? प्लीज अभी मत करो, मेरी बीवी आसपास है ना। कोई बात नहीं, मैं सिर्फ मिस्ड कॉल दे रही। आपके पास भी तो मेरा नंबर होना चाहिए ना। दैट्स ग्रेट। हेलो, पुलिस कंट्रोल रूम, जरा एक नंबर नोट डाउन कीजिए प्लीज। यहाँ से मुझे बार बार किसी का फोन आ रहा है जो मुझसे अजीब अजीब तरह की बातें करके मुझे परेशान कर रहा है। इसे गिरफ्तार कीजिए इमीडिएटली। I'm sorry, ma'am. Idiots. पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। मैं यहाँ शांति से बैठ भी नहीं सकती। पवित्र अग्नि को साक्षी मानकर साथ फेरे लिए जाएंगे। आप दोनों फेरे के लिए खड़े हो जाएं और हर फेरे के साथ एक वचन दिया जाएगा। के चार फेरे वर आगे रहकर पूरा करेंगे, शेष तीन फेरे में वधु आगे रहकर पूरा करेंगे। वर पहला वचन वधु को देते हैं कि आज से आपको मैं अपनी अर्धांगिनी स्वीकार करता हूं और आज से आपकी हर सुख सुविधा मेरी होगी और आज से आपकी सारी जिम्मेदारी हमारी है जिसे हम निष्ठापूर्वक निभाएंगे। हाँ देविका, मैं वचन देता हूं कि तुम्हारी छोटी से छोटी खुशी के लिए जी जान एक कर दूंगा, तुम पर किसी भी दुख की छाया तक नहीं पड़ने दूंगा। चलिए फिर प्रारंभ कीजिए। दूसरा वचन वर वधु को देते हैं कि आज के बाद मैं सदैव आपका सम्मान करूंगा, हर संकट में आपका साथ दूंगा और हमेशा आपकी रक्षा करूंगा। तुमसे ही तो मेरी जिंदगी है देविका, तो अपनी जिंदगी की रक्षा कैसे नहीं करूंगा? कभी तुम्हारी इज्जत पे कोई आंच नहीं आने दूंगा मैं। वचन वर वधु को देते हैं, आज से आपके माता पिता हमारे माता पिता समान हैं और आपके घर के बड़े जो हैं उन्हें मैं हृदय से अपनाते हुए पूरा सम्मान दूंगा। मैं तो उन्हें पहले से ही अपना मानता हूं देविका, उनकी बहुत इज्जत करता हूं और करता रहूंगा, लेकिन तुम्हारा परिवार तो मुझे छोटा और मक्कार समझता है,
क्या इस शादी की सच्चाई जानने के बाद वो मुझे अपनाएंगे? चौथा वचन वर वधु को देते हैं कि मैं हृदय की गहराई से वचन देता हूँ, आज के बाद विवाह के पश्चात मैं आपसे प्रेम विश्वास बनाए रखूंगा और आपसे कभी छल नहीं करूंगा। तुम्हारे साथ घर बसाने का मतलब है एक खूबसूरत ख्वाब का सच होना। न मैं कभी इस ख्वाब को तोड़ सकता हूँ, ना ही तुम्हारे इस विश्वास को। बस एक बार तुम मेरा विश्वास कर लो देविका। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? और मैंने तो शेरवानी पहनी, आज मेरी शादी है। आगे के तीन फेरे वधू आगे रहकर पूरा करें। किस्मत ने कर तो फिर वो फिर होके रहना, सदके तेरे, हाँ सदके तेरे, सदके तेरे, हाँ सदके तेरे। पांचवा वचन वधू वर को देती है, क्या से आपके माता पिता मेरे माता पिता हैं, आपका घर मेरा घर होगा और आपके सगे संबंधी सब हमारे अपने हैं। आज से आपके घर के प्रति पूरी निष्ठा से मैं अपने कर्तव्य को निभाऊंगी। एक कर्तव्य तो निभा रही हूँ अपनी दादी की बात मानकर, और आगे भी निभाऊंगी क्योंकि यही मेरा नसीब है। बस अब इसी में मुझे अपनी हर खुशी ढूंढनी है। छठा वचन वधू वर को देती है कि मैं आपके सुख दुख में हमेशा आपकी शक्ति आपकी ताकत बनकर आपका साथ दूंगी और आपकी खुशी में ही खुश रहूंगी। हाँ, ऐसा ही करूंगी क्योंकि ये मेरी अम्बे माँ की मर्जी है। अम्बे माँ चाहती है कि ये शादी हो। बस एक ही खुशी की उम्मीद करती हूँ अपने लिए कि मुझे मेरी जन्म देने वाली माँ का सपना पूरा करने की इजाजत मिल जाए। अम्बे माँ प्लीज प्लीज ये आखिरी फेरा हो जाने दो बिना किसी रुकावट के, प्लीज अम्बे माँ। सातवां वचन वधू वर से कहती है कि मैं आपके कुल की मर्यादा का ध्यान रखूंगी और आपकी चाहत का हमेशा सदैव सम्मान करूंगी। मैं पूरे तन मन धन से अपना जीवन आपको समर्पित करूंगी। जीवन तो समर्पण कर दिया है, धन मेरे पास है नहीं। धन तो जैसे बेजान हुआ सा लग रहा है और मन मन पता नहीं कहाँ खो गया है। अब तो ये नसीब जहाँ ले जाएगा वहीं चली जाऊंगी। बस सी लड़कियों को इस दौर से गुजरते हुए देखा है, आखिर तुम्हें प्यार हो ही गया ना? बैचलर्स पार्टी पे रवि ने जो कुछ भी कहा तूने सुना भी था और देखा, पर उस वक्त रवि निवेदिता लूथरा को नहीं बल्कि तुझे प्रपोज कर रहा था। इस कमरे में हूं मैं, सूत्र इनके गले में पहनाइए।
साध के शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते सर्व मांगल्य मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते सर्व मांगल्य मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। फटा जा रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, कोई बुलाने भी नहीं है, खुद जाके देखता हूं। अबे क्या हो गया, भूत भूत कर रहा है, पागल हो गया क्या? जीजू तेरा, जीजू आप यहाँ हो तो फिर सच क्या? सच तू नीचे मंडप पे कौन है फिर? कौन से मंडप पे, क्या बात कर रहा है तू? नीचे देविका के साथ। देविका के साथ? अब वधु की मांग में सिंदूर डली। रचा किस्मत ने कुछ तो खेल वो फिर हो के रहना मेल लिखा किस्मत ने संपन्न हुआ। आज से ईश्वर और समाज की दृष्टि में आप दोनों पति पत्नी हुए। अब जाकर अपने बड़ों से आशीर्वाद ले लें। जिस जमी आसमां में सो वास ले रहे एक दूजे की नजर से पर दूर ना रहे ये शादी नहीं हो सकती। यहाँ खड़ा है तो फिर वो मैंने आशीर्वाद किसको दिया? अभी आप यहाँ आओ तो देविका की शादी किससे हुई है?